सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। कुछ यूट्यूबर्स का मानना है कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और आप अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हो तो वहाँ से आपकी वीडियो पर जो भी व्यूज आएंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो क्या आपको अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर शेयर करने से हमारी वीडियो को क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान हो सकता है, मैं दोनों आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके और आप आगे कोई गलती ना करो अपनी वीडियो में, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और जब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपने कुछ भी स्टेप मिस किया तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कई यूट्यूबर हैं यूट्यूब पर जिन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है कि सोशल मीडिया पर अगर वीडियो शेयर करेंगे और वहाँ से आप अपनी वीडियो पर व्यूज लाएंगे तो उन व्यूज से जो आपकी वीडियो पर वॉच टाइम आता है वो काउंट नहीं किया जाएगा, और जब वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि जब आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों जब भी कोई नया यूट्यूबर यूट्यूब पर चैनल बनाता है तो उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि उसकी वीडियो पर व्यूज कहाँ से आएँ। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने का। सोशल मीडिया पर दोस्तों काफ़ी एप्लीकेशन होती हैं जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो इन सब पर वीडियो शेयर करने से दोस्तों काफ़ी व्यूज हमारी वीडियो पर आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल नया होता है और जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस नाम का कोई चैनल है और इस पर कोई वीडियो बनाई गई है तो लोग उसे देखेंगे कहाँ से। तो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने का, जिसके ज़रिए हमारी वीडियो पर काफ़ी व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को दिखता है कि इस नाम का कोई चैनल यूट्यूब पर है जो अभी बना हुआ है और इस पर ये वीडियो बनाई गई है, तो लोग उसे देखते हैं और इसी तरीके से हमारी वीडियो पर व्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ यूट्यूबर हैं जो ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों अगर हम एक नए यूट्यूबर हैं तो हमारी वीडियो कोई नहीं देखता है, तो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हैं तो हमारी वीडियो पर काफ़ी सारे व्यूज आ जाते हैं, और जब आपकी वीडियो पर काफ़ी सारे व्यूज आएंगे और व्यूज बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी वीडियो के ब्राउज फीचर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब हमारी वीडियो ब्राउज फीचर में आ जाएगी तो दोस्तों अपने आप ही हमारी वीडियो पर काफ़ी सारे व्यूज आएंगे, और जब व्यूज आते हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब 50 लोग आपकी वीडियो को देखेंगे तो उसमें से 10-20 लोग तो सब्सक्राइब कर ही देते हैं। लेकिन जब तक आपकी वीडियो ब्राउज फीचर में नहीं आएगी तो आपकी वीडियो पर व्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आपने किस टॉपिक पर वीडियो बनाई है और कोई आपने वीडियो बनाई है या नहीं बनाई है, क्योंकि जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो बनाते हो उस टॉपिक पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर बनी होती हैं, और जब भी कोई बंदा या कोई भी इंसान उस टॉपिक पर वीडियो देखेगा तो वो उस वीडियो को देखेगा जिस पर पहले से काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ चुके हों, क्योंकि नई वीडियो को कोई बंदा नहीं देखता, कोई भी इंसान नई वीडियो पर ओपन नहीं करता, वो उस वीडियो को देखता है जो एक पुराने यूट्यूबर की हो और जिस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ चुके हों। तो ये फ़ायदा होता है हमें अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का, जिससे हमारी वीडियो पर काफ़ी सारे व्यूज बढ़ जाते हैं और उसके ब्राउज फीचर में आने के चांस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया पर शेयर करने से हमें क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों सिर्फ हमें एक ही नुकसान होता है कि जब भी आप अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हो तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारी वीडियो को सिर्फ ओपन करके बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से हमारी वीडियो की रैंकिंग होती है वो काफ़ी नीचे गिर जाती है, और इस तरह से हमारी वीडियो कभी ब्राउज फीचर में नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों यही नुकसान होता है हमें अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का। इससे कैसे बचा जा सकता है दोस्तों? तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी बंदा आपकी वीडियो को सिर्फ ओपन करके और बाहर आ जाता है तो आप उनसे मना कर दीजिए कि अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आप इस वीडियो को ओपन ना करें, क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी अपनी वीडियो किसी ऐसे ग्रुप में शेयर करते हो जहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपकी वीडियो को देखते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देखना नहीं चाहते लेकिन वीडियो सबके पास जाती है क्योंकि सब लोग ग्रुप में हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनसे ये बोल सकते हो एक मैसेज करके कि जिन लोगों को ये वीडियो नहीं देखनी है या जिन लोगों को इन वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है वो कृपया करके इस वीडियो को ओपन ना करें, और अगर आप ओपन करते हो तो भले ही आप नहीं देखें लेकिन आप इसे ओपन करके छोड़ दें, क्योंकि वीडियो 4-5 मिनट की होती है, ज़्यादा की नहीं होती। जब आपकी वीडियो 50% से ऊपर प्ले होगी तो दोस्तों आपकी वीडियो की रैंकिंग काफ़ी ऊपर आएगी, और जितनी ज़्यादा रैंकिंग अच्छी होती वीडियो की उतने ज़्यादा चांस होते हैं ब्राउज फीचर में वीडियो के आने के, और जब वीडियो ब्राउज फीचर में आना शुरू हो जाती है दोस्तों तो अपने आप ही उस पर व्यूज बढ़ जाते हैं। और दोस्तों इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पर,
कि अपनी वीडियो ब्राउज फ्यूचर में कैसे लाएं, तक आपकी वीडियो ब्राउज फ्यूचर में नहीं आएगी तो हमारी वीडियो पर व्यूज़ कहाँ से आएंगे, जब व्यूज नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई भी नियम नहीं है, कोई भी रूल्स नहीं है यूट्यूब की तरफ से कि आप अपनी वीडियो शेयर नहीं कर सकते। यूट्यूब को सिर्फ अपने रूल्स से मतलब है, उसने जो नियम बनाया है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसे आपको पूरा करना है। चाहे आप कैसे भी करो, यूट्यूब को इससे कोई मतलब नहीं है। और जिन लोगों ने इस टॉपिक वीडियो बनाई है कि अगर आप अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो दोस्तों आप इस टेंशन में बिल्कुल ना रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा चाहो वहाँ अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो नया यूट्यूबर होता है उसके पास यही ऑप्शन होता है अपनी वीडियो पर व्यूज लाने का। तो आप बिल्कुल भी टेंशन डालें किसी की बातों में आगे। दोस्तों आप बिंदास होकर अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि नए यूट्यूबर के लिए एक ही मौका होता है अपनी वीडियो पर व्यूज लाने का, वह सोशल मीडिया पर शेयर करना। तो आप बिना टेंशन के शेयर करते रहिए, जितना चाहे उतना शेयर करो। बस उन लोगों को शेयर बिल्कुल मत करना जो लोग आपकी वीडियो को ओपन करके और बाहर आ जाते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वीडियो शेयर मत करना दोस्तों। और आप बिल्कुल भी टेंशन ला लें दोस्तों, यूट्यूब को मतलब है सिर्फ अपने नियम अपने रूल्स को पूरा करवाने का, ना कि ये देखने का कि आपकी वीडियो पर व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं। ये आपका काम है, आप कैसे ला सकते हो, और यूट्यूब का जो नियम है वो उसे पूरा करता है। और जो भी यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये बोला है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, कि आप अगर सोशल मीडिया वीडियो शेयर करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो दोस्तों आप इस टेंशन में बिल्कुल ना रहें। या आप अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हो तो आप अगर बंद कर दोगे तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो आप जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हो और अपनी वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आपका चैनल आराम से मोनेटाइज होगा जब वो मोनेटाइज होने के टाइम पर आएगा। तो आप टेंशन ना लें और किसी की बातों में ना आएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे समझ चुके होंगे कि सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आगे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।